Hello, Namaste, welcome back to my channel and welcome back to the day 3 of face pack series. आज का face pack जो मैंने बनाया है वो बनाया है कॉफ़ी से and coffee is my personal favorite. कॉफ़ी के बहुत सारे benefits हैं skin care के लिए. इसमें बहुत सारे antioxidants होते हैं. ये skin को exfoliate करता है, so blood flow circulation बढ़ाता है जो कि skin के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये skin के pH level को भी balance करता है. कॉफ़ी के अलावा मैंने इसमें मिलाया है orange peel. ऑरेंज पील पाउडर नहीं, द फ्रेश ऑरेंज पील. सो ऑल टुगेदर ये एक बहुत ही एरोमा थेरेपी वाला फेस पैक बना है जिसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. इसका एप्लीकेशन आप देखें और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा. आई एम श्योर आपको भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा. इसको मैंने फेस के अलावा आर्म्स में भी लगाया है, तो चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन एंड इसके रिजल्ट्स. तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ऑरेंज और उसकी स्किन को इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे. इसमें सिर्फ आउटर पार्ट लेना है, अंदर का ऑरेंज इसमें नहीं लेना है इस वक्त. ऑरेंज की पील को हम एक बोल में कलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें इसी ऑरेंज का थोड़ा सा जूस, और उसके बाद हम अराउंड 1 स्पून इसमें मिलाएंगे कॉफी. फिर इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा बेसन, अगेन इसको मिक्स कर लेंगे. और अगर ये बहुत वाटरी लगे तो इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसके बाद लास्टली इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ताकि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, और इसको मिक्स करके ये हमारा फेस पैक रेडी हो गया है. तो अब कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन. इसके एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम इसे वॉश्ड फेस के ऊपर लगा लेंगे, और फिर दोनों हाथों की मदद से हम सर्कुलर मोशन में अपने फेस की मसाज करेंगे. ये एक तरह से बॉडी पॉलिशिंग फेस पैक का काम करता है, तो इसे अच्छे से अपने फेस में मसाज करिए अराउंड 5 मिनट्स. इसे आप नेक में भी लगा सकते हैं, और जहां पर भी इसे लगाएंगे इसकी हल्के हाथों से मसाज करनी है. बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, बट थोड़ा थोड़ा लेते हुए इसे अपने फेस पर मसाज करनी है अच्छे से. उसके बाद हम इसे 5 टू 7 मिनट्स के लिए स्किन पर ऐसे ही लगे रहने देंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए. इसके बाद जो भी मिक्सचर बच जाएगा उसको आप अपनी आर्म्स में लगा सकते हैं या फिर फीट में लगा सकते हैं, और अच्छे से मसाज करने के बाद उनको भी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. सो अब ये फेस पैक अच्छे से सूख चुका है, और इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी क्लीन कॉटन या मसलिन क्लॉथ लेना है और उसे गर्म पानी में डिप करके उसे अच्छे से निचोड़ लेना है, एंड देन अपने फेस को इस तरह से वाइप करते हुए जो फेस पैक है उसे रिमूव करना है. एज यू कैन सी इन द वीडियो. इससे फेस बहुत अच्छे से क्लेंज हो जाता है, स्किन ग्लो करने लगती है, एक्सफोलिएट भी होता है, एंड बहुत ही अच्छी स्मेल आती है.
एक बहुत ही अच्छी एरोमेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इससे फेस बहुत अच्छे से क्लेंज हो जाता है, स्किन ग्लो करने लगती है, एक्सफोलिएशन भी हो जाता है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, तो लगता है जैसे कोई एरोमेटिक स्पा या फेशियल कराया हो और अच्छी फ्रेग्रेंस भी आती है। सो यू कैन सी ऑलरेडी आई फील दैट माई स्किन इज ग्लोइंग। एक बार अच्छे से रिमूव हो जाए उसके बाद आप जाके फेस वॉश कर सकते हैं। एंड एट द एंड जैसे कि मैं हमेशा टोनर यूज़ करती हूँ उसके लिए यहाँ पर अगेन मैंने एक कॉटन में ग्लिसरीन प्लस गुलाब जल ले लिया है और उससे अपने फेस को क्लीन कर लिया है। इससे जो भी बचा हुआ कॉफ़ी के ट्रेसेस अगर होंगे स्किन में वो भी निकल जाएंगे और एज ए टोनर भी हमारी स्किन में ये यूज़ हो जाएगा। आर्म्स में भी आप सिमिलर प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। And now you can see the results on my face and my arms. So do try this. Thanks a lot for watching this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी मोटिवेट हुए होंगे इस फेस पैक को अप्लाई करने के लिए। आज का वीडियो भी मैंने विदाउट एनी मेकअप शूट किया है ऑन माई स्किन, जस्ट द लिपस्टिक काजल एंड बिंदी। एंड आई फील बिंदी डज अ लॉट व्हेन वी वेयर अ साड़ी। So I hope to see you back on my channel and keep watching my other videos as well. Please subscribe to my channel agar aapne abhi tak nahi kiya hai. See you soon in my next video. Till then take care. Bye.